अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आइए आज हम बनाते हैं वेज पुलाव। वेज पुलाव कई तरीके से बनता है, सब्जियों से अलग अलग सब्जियाँ मिलाई जाती है, बनाने का सबका तरीका अलग अलग होता है, अलग अलग मसाले पड़ते हैं। हम नए स्टाइल से बना रहे हैं, आइए हम आपको बताते हैं क्या क्या मसाले। हमने कुकर रख दिया है, अब इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच तेल, 100 ग्राम फ्रेश बीन्स, 100 ग्राम रेड फ्लावर, 1 छोटा शिमला मिर्ची, 2 मीडियम साइज के छोटे गाजर, 100 ग्राम ग्रीन पीस यानी बटाना, ये कॉर्न 3 चम्मच, 2 मीडियम साइज के प्याज, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 से 5 हरी मिर्ची फाड़ लिया हमने उसको, 2 मीडियम साइज के टमाटर, नमक स्वाद अनुसार, जीरा धनिया पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच। अब सबसे पहले अब चावल हमने लिया है 1/2 किलो, इसको धो लिया है। सबसे पहले हम डालेंगे प्याज, प्याज को हम अच्छे से लाल कर लेंगे, कांदा हमारा लाल हो रहा है, इसमें हम डालेंगे तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 टुकड़े बादियान का फूल, थोड़ी सी जावित्री, 3-4 लौंग, 3-4 हरी इलायची और थोड़ा सा जीरा, अच्छे से हम इसमें लाल कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट इसको अच्छे से लाल कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। लहसुन का पेस्ट डाल के इसको अच्छे से हम कांदे के साथ में, खड़े मसाले के साथ में पका लेंगे, ताकि कुछ भी अच्छे से आ जाए पुलाव के अंदर। पुलाव इसमें हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्ची, आप जितना तीखा खाते हो आप अपने हिसाब से डालें। हम डालेंगे ग्रीन पीस, हरी मटर यानी बटाना, इसको थोड़ा हम बंद करके पका लेंगे क्योंकि बटाना उड़ता है पकने में। मटर हमारी हो गई, अब इसमें हम डालेंगे, हमने आलू को पानी में डाल के रखा था, आपको बताना भूल गए थे, ये 2 छोटे मीडियम साइज के आलू हैं 3, इसको हमने काट के पानी में डाल दिया था, अब इसको हम सबसे पहले डालेंगे बगैर आलू को वेज पुलाव में मज़ा नहीं आता, इसके लिए आलू ज़रूरी है। अब इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्ची और गाजर, फ्रेश बीन्स और फ्लावर, सारी सब्जियां एक एक करके डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। सबसे लास्ट में मसाला रेडी होने के बाद सब्जी आधी कच्ची आधी पक्की हो जाए, इसके बाद फिर चावल डालकर भून लेंगे, इसमें 1/2 नींबू का रस निचोड़ कर पानी डालकर फिर सीटी लगा देंगे। अब इसमें हम डालेंगे कॉर्न, अभी ये जो हमने टमाटर काटे थे
सब्जियों को अच्छे से चलाते जाएंगे ताकि अदरक लहसुन का फ्लेवर और खड़े मसाले का फ्लेवर सब अच्छे से सब्जियों में आ जाए। अब इसमें हम डालेंगे मसाले, ये गरम मसाला पाउडर है, सब्जियों के साथ हमने लिया है ये जीरा धनिया पाउडर। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालें, मैंने चावल के हिसाब से नमक लिया है। सारे मसाले सब्जियों में ऐसे डालकर अच्छे से चला लेंगे और सिलो करके एक दो मिनट ढक्कन लगाकर पका लेंगे। जो टमाटर का पानी छूटेगा उससे सब्जी हमारी आधी कच्ची आधी पक्की हो जाएगी। टमाटर का पानी छूट चुका है, इसमें सब्जी हमारी लगभग आधी कच्ची आधी पक्की हो गई, तो अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे चावल, चावल को अच्छे से डाल के भून कर दो सीटी लगा देंगे। कभी भी पुलाव बनावे तो चावल को धोकर उसको अच्छे से सब्जियों के साथ में भून लें, उससे क्या है पुलाव में सोनापन आता है और खाने में टेस्टी होता है। चावल हमने डाल दिया है सब्जियों के साथ में, अच्छे से चला लेंगे इसको, यानी अच्छे से भून लेंगे सब सब्जियों को, चावल में अच्छे से मिला लेंगे। जितना ज़्यादा भूनेंगे उतना सोना पुलाव होगा आपका, बनाने में बहुत आसान, खाने में बहुत टेस्टी, बच्चे बड़े सबको पसंद आता है ये वेज पुलाव। देखने में कितना खूबसूरत दिख रहा है। हमने दो तीन हरी मिर्ची डाल दी है ऊपर से, आपको भी अगर ज़रूरत है, आप तेल ज़्यादा खाते हो तो आप डाल सकते हैं। ये हमने अच्छे से भून लिया है, अब इसमें हम पानी डालेंगे, पानी डालकर दो सीटी लगा लेंगे, हमारा पुलाव रेडी हो जाएगा वेज पुलाव। हमने चावल के हिसाब से पानी लिया है, सब्जियां हमारी लगभग गल चुकी है, सिर्फ दो सीटी आना जरूरी है, बस दो सीटी के अंदर हमारा पुलाव रेडी हो जाएगा। अब इसको हम सीटी लगा के बंद कर देते हैं, दो ढक्कन लगा के दो सीटी आ जाए, इसके बाद फिर हम सिलो आंच पे एक दो मिनट के लिए दम पे रख के फिर उतार लेंगे। पुलाव हमारा रेडी हो गया है, हमने गैस बंद कर दिया है, सीटी निकाल कर इसको हम प्लेट में सर्व करते हैं। पुलाव हमारा रेडी हो गया, देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है, फरार फरार। इसको हम अब निकालते हैं प्लेट में सर्व करते हैं वेज पुलाव। वेज पुलाव हमारा रेडी हो गया है, हमने प्लेट में दही के साथ सर्व कर दिया है। आप भी अपने घर में बनाइए और बनाकर खाकर बताइए कैसा बना है, खाने में टेस्टी और बनाने में आसान, झटपट बन जाता है। देखने में देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, आप खाएंगे तो आप भी मतलब कहेंगे कि वाकई में बहुत ही अच्छा बना है वेजिटेबल पुलाव, झटपट बन जाता है, बनाने में बिल्कुल आसान, खाने में बहुत ही टेस्टी। और आप भी अपने घर में बनाइए, बनाकर खाकर बताइए कैसा बना है। और क्या नाम है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए, और फिर मिलती हूँ मैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, फिया मनिल्ला।
वेजिटेबल पुलाव हमारा रेडी हो गया है। आप भी बनाइए, घर में खाइए और एंजॉय कीजिए पूरे परिवार के साथ।